स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर इस बार आजादी का अमृत महोत्सव नाम से देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अलग अलग जगहों पर झंडा फहराकर तिरंगे को सलामी दी, तो वहीं मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी भी ली और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराया और इस दौरान सीएमआर के स्टाफ, कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बड़ी चौपड़ से ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद डोटास्ट्रा, हेरिटेज मेयर समेत कई लोग मौजूद रहे। इसके बाद सीएम गहलोत अमर जवान ज्योति पहुंचे और पुष्प चक्र अर्पित किया। इसके बाद एसएमएस स्टेडियम पहुंचकर तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली और आखिर में सचिवालय पहुंचकर झंडारोहण किया। ध्वजारोहण की ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर आप देख सकते हैं सीएम हाउस पर सीएम अशोक गहलोत ने तिरंगा फहराया, बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण किया। बड़ी चौपड़ पर तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत को याद किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेशवासियों को इस 76वें स्वतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ। ये हमारे लिए अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। स्वाधीनता सेनानी को याद करते हैं जिनके बलिदान से, त्याग की कुर्बानी से देश आजाद हुआ, सबको निशावर कर दिया मुल्क को आजाद करवाने के लिए। लंबे संघर्ष के बाद में आजादी हमें मिली। दिसंबर 1929 के अंदर कहा था, जब फहराया था पहली बार आजादी के तट पर, तब कहा था कि ये झंडा अब झुकना कभी नहीं चाहिए। हमें गर्व है कि जो पंडित नेहरू ने कहा था वही झंडा झुकने नहीं दिया देशवासियों ने। हमें नई पीढ़ी जो है हमारे इतिहास की प्रेरणा ले, महापुरुषों के संदेश को आत्मसात करें, संविधान की मूल भावना को अपने दिलों में रखें